छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव ने ऐसा काम किया है जिसकी लोग तारीफ कर रहे हैं। दरअसल देवेंद्र नगर स्थित ऑफिसर्स कॉलोनी के आवास के पास सड़क चौड़ीकरण किया जाना था। इसके दायरे में मुख्य सचिव आरपी मंडल का आवास आ रहा था। इसकी जानकारी मिलने पर उन्होंने खुद बाउंड्री वॉल तोड़ने की पहल की। सरकारी दस्ते ने बाउंड्री वॉल गिरा दिया। अब आसानी से सड़क चौड़ीकरण हो पाएगा। लोगों को अब जल्द चौड़ी सड़क मिल जाएगी। मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता सत्या राजपूत ने। ऐसी परिस्थिति में जहां छोटी सी जमीन मिलने पर लोग कब्जा करने से नहीं चूकते, क्योंकि राजधानी रायपुर है और यहां पे लोगों को रहने के लिए बहुत मारामारी है जमीन के लिए, और ऐसी स्थिति में सड़क चौड़ी करने के नाम पर छत्तीसगढ़ के प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव ने सड़क चौड़ी करने के नाम पर अपने दीवार को ढहा दिया है और लोगों को प्रेरित करने की कोशिश की, ये पहल की शुरुआत की है कि जहां लोग ट्रैफिक की व्यवस्था से परेशान होते हैं, ऐसी स्थिति में उनको निजात दिलाने के लिए अपना जो दीवार था को ढहा दिया गया। ऐसे आप देख सकते हैं, ये सीधी तस्वीर है जहां पे मुख्य सचिव ने ये पहल करते हुए अपने दीवार को ढहा दिया है और यहां पे फिलहाल दो दिन से कंटिन्यू काम जारी है। यहां पे जो कब्जा हटाओ जो कार्य करना है, यहां पे आप देख रहे हैं सीधा कर्मचारी काम पे लगे हुए हैं। ये सीधी तस्वीर है देवेंद्र नगर आवासीय कॉलोनी का है, शासकीय आवासीय कॉलोनी का, जहां पे यहां पे आईएएस आईपीएस निवासरत रहते हैं। यहां चूंकि जो दीवार देख रहे हैं यहां पे जो अस्थायी रूप से टीना से बहाया गया, चूंकि ये यहां से कम 30 फीट सामने में था और ऐसे ही स्थिति में यहां पे कुछ दुकान वालों ने कई तरह की दुकानें खोल रखी थी, यहां कब्जा करके उसको हटाया गया है, साथ में दीवार को भी ढहाई गई है। क्योंकि अधिकारियों ने पहल की है, लोगों ने उसको अपनाया, उसको देखा, उससे प्रेरित हुए और अपना कब्जा खुद हटा रहे हैं। तो देखते ही देखते सड़क जो 20 फीट का बचा था वो आप, मैं कैमरा मैन से कहूंगा कि सड़क की चौड़ाई दिखाए कि यहां से लगभग 60 मतलब 4 लेन की बराबर हो गया है। और यहां पे अच्छी बात ये है कि जो दीवार ढाई गई है उसके अंदर जो छायेदार वृक्ष है उनको नहीं हटाया गया है। रायपुर से कैमरा मैन श्याम के साथ सत्या राजपूत, स्वराज एक्सप्रेस।